feel good film hai with thrills and the entire film will be shot on an iPhone. 70% film complete ho gayi hai and hopefully hum log December 2016 mein release karenge and puri film iPhone 6 pe bani hai. iPhone 6 4K hai which is compatible with 70mm screen jo ki future mein har bahut sari film mein banna start ho jayegi. तो हम लोग की पहली बॉलीवुड फिल्म रहेगी जो कि आईफोन 6 पर. एंड कितना प्राउड फील कर रहे हैं आपके, मतलब इंडिया में पहली बार कोई आईफोन इस पर फिल्म बन रहा है. ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग है क्योंकि बाहर ये हो चुका है लेकिन बॉलीवुड में अब तक क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन अब होगा. एंड ऑलरेडी इसके बाद दो तीन फिल्म और आएगी जो की आईफोन पे है तो फ्यूचर से. तो आपको सबसे पहले आइडिया कब आया कि आईफोन से भी फिल्म बनानी चाहिए क्योंकि काफी बड़े बड़े कैमरेज हैं मार्केट में? तो मैंने रिसेंटली 3 म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट किए थे जो कि उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे. तो आई वाज वर्किंग कि मुझे फिल्म बनानी है अभी नेक्स्ट, तो वही प्रोजेक्ट रहता है. मैंने आशुतोष गोयलकर सर के साथ भी काम किया तो यही था कि फिल्म बनानी लेकिन कुछ अलग तरह से. तो आईफोन का दिमाग में आया जो हर किसी के हाथ में होता है हमेशा एंड इट इज पॉसिबल जो आईफोन पे फिल्म बन सकती है तो क्यों नहीं. Of course, अगर सस्ते में बनेगी तो और ज्यादा प्रॉफिट है. एंड कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, मतलब आईफोन पे अगर किसी एक्टर्स को काम कराना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और एक्टर्स भी उसमें कई बार कंफर्टेबल नहीं हो पाते, तो किस तरीके से आपने उन्हें रेडी करा, किस तरीके से बिल्कुल क्या डीलिंग करनी पड़ी? जी नाइस क्वेश्चन. किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि आईफोन पे मूवी बन सकती है जब स्टार्टिंग में आई वॉज नरेटिंग. हमारे पास अवार्ड विनिंग एक्टर्स है सो किसी को भी लग नहीं रहा था. तो व्हाट आई डेड, मैंने पहले एक टीजर बनाया था जो कि हम लोगों ने 24 घंटे में शूट किया था मुंबई में ही. उसके बाद वो सबको दिखाया, मेरी टीम को दिखाया, प्रोड्यूसर्स को दिखाया, कुछ जगह ऑफिसेज में दिखाया एंड एक्टर्स को दिखाया. देन दे वर लाइक कि ओके दिस इज पॉसिबल. इसके अलावा फिल्म की बात करें तो फिल्म की स्टोरी किस तरह की होगी, थोड़ा कुछ अगर ब्रीफ करना चाहे ऑडियंस को? वेल फिल्म फील गुड है, आपको देख के बहुत कुछ सीखने को मेरे को अच्छा लगेगा एंड कुछ अच्छा मैसेज लेके जाएंगे आप घर पे. एंड अच्छे एक्टर्स है, बहुत नामी गिरामी है एंड मैं फिल्म का नाम आप सभी को बता सकता हूँ. फिल्म का नाम है ब्रोजान. ब्रोजान. और इसके अलावा हमने आपको म्यूजिक बनाते हुए देखा है, म्यूजिक डायरेक्ट करते हुए देखा है, तो डायरेक्टर बनने का आइडिया कब आया आपको? इसमें भी म्यूजिक मेरा ही रहेगा ऑफ कोर्स, स्टोरी म्यूजिक एंड डायरेक्शन विल बी बाय मी. एंड इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स है, विशाल दिल्लानी सर, पलक मुछाल ऑफ कोर्स, अरिजीत सिंह एंड बहुत सारे 7 गाने टोटल. तो फिल्म में भी मजा आएगा देख के. मतलब फुल फ्लेज फिल्म 3 घंटे की होगी राइट? हाँ फिल्म 2 घंटे हुई, 30 मिनट्स. ओके इसके अलावा अगर पलक का क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार स्टोरी बताई और कहा कि आईफोन पर फिल्म शूट करने वाला हूं? इनफैक्ट पलक दी भी शॉक में थे कि आईफोन पर मूवी बन सकती है. ये मैंने उसको समझाया, डिटेल निकाली कि इट्स 4K विच इज कम्पेरेबल विद 70mm स्क्रीन और हॉलीवुड में हो चुका है 2-3 बार. एंड फिर उसको भी एकदम था कि किसी ने अभी तक बॉलीवुड में किया नहीं है. तो शी इज वेरी एक्साइटेड फॉर द मूवी, उसको स्टोरी पता है, उसने सॉन्ग सुने, गाए भी है, तो शी इज सुपर एक्साइटेड फॉर इट. अच्छा गाने से आप जुड़े रहे हैं, तो फिल्म का कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद है और 2 लाइनें अगर गुनगुनाना चाहे ऑडियंस के लिए? वेल मैं अभी गा तो नहीं सकता, प्रोडक्शन से मुझे बिल्कुल मना है, लेकिन फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है वो स्वामी विवेकानंद जी की एक पोएट से है तो वो बहुत अच्छा, दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग. लाइट्स वैसे ही जैसे हम लोग शूट करते, प्रॉपर लाइट्स थी, वैनिटी थी, सिक्योरिटी थी, हम लोगों ने मुंबई में शूट किया तो सब कुछ वैसा था, सिर्फ कैमरे की जगह आईफोन पे था. तो मैंने आधे लोगों को जो सेट पे थे उनको बोला था कि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी शूट बाद में हुआ क्योंकि ये बात बाहर नहीं निकले. तो हम लोग 70% कैसे भी करके फिल्म कर ली कि रिहर्सल कर रहे हैं, अभी रिहर्सल करें, शूट बाद में करेंगे. तो स्पॉट बॉयज या फिर कहीं से भी बात लीक हो जाती है तो अभी तक हुई नहीं. तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कहीं से बात लीक ना हो, कोई अगर फोन पे शूट करके भी अगर बाहर कर देता है तो लीक हो जाती है बात, तो इस सिक्योरिटी को आपने कैसे हैंडल किया? ऑफ कोर्स सिक्योरिटी वहाँ पे थी जो कि ये सबका ध्यान रख रही थी, हमारा जो मेरे कास्ट है उसका सबका ध्यान रख रही थी एंड मैं हर क्रू आर देयर सो दैट्स नॉट एन इशू. एंड अगर सॉन्ग्स की अगर बात करी जाए तो फिल्म में कितने गाने हैं, कितने सॉन्ग्स हैं? इसमें 7 सॉन्ग्स है टोटल एल्बम में एंड फिल्म में रहेंगे 4 सॉन्ग. विशाल दलानी सर ने गाया है, पलक मुछाल और अरिजीत सर. और सॉन्ग किस तरह से रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, मतलब कब तक रिकॉर्ड होने वाले हैं? शूटिंग तो आपने कहा कि 70% कंप्लीट हो गई है, लेकिन म्यूजिक कब से स्टार्ट होने वाला है? म्यूजिक स्टार्ट हो गया है, 3 सॉन्ग रिकॉर्ड भी हो गए, एक सॉन्ग एक बाकी है एंड उसमें एक बड़ी आवाज की खोज है तो उसके लिए हम सर्चिंग. इसके अलावा आपने कहा कि बड़े नामी एक्टर्स हैं, अगर एक्टर्स के बारे में बताना चाहे और उनके किरदार के बारे में? एक्टर्स अवार्ड विनिंग है, मैं अभी उनका नाम नहीं बता सकता बिकॉज वी आर गोना अनाउंस द फिल्म By end of this month mostly. तो वो पेपर्स में या फिर आपको खुद ही मैं आपके बताऊंगा और
वो अच्छी लेवल पे हम लोग लॉन्च करेंगे ट्रेलर के साथ, तो जब मजा आएगा, क्योंकि एक सरप्राइज रहेगा कि ओके नाउ इज डायरेक्टिंग अ फिल्म विद दिस एक्टर्स, तो वो एक्टर्स के साथ मजा आएगा. एंड रिलीज की अगर बात की जाए तो कब तक फिल्म रिलीज होगी? वी आर प्लानिंग एंड वी आर थिंकिंग टू रिलीज इन दिसंबर 2006 और जनवरी 2017. इसके अलावा जो नए फिल्म मेकर्स होते हैं उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बजट का प्रॉब्लम होता है, या तो ये कहीं ना कहीं ये एक इंस्पायर्ड करेगी उन्हें नई फिल्म बनाने के लिए. करेक्ट, बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने भी बोला है कि आप फिल्म आईफोन पे रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, पर यूट्यूब की जगह आप बॉलीवुड में भी कर सकते हो. अगर यू हैव अ स्क्रिप्ट, द बेस्ट थिंग इज जो हो रहा है बॉलीवुड में कि अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो पब्लिक पसंद करेगी भले ही कितना भी बजट हो उस फिल्म का. सो इट्स अ गुड थिंग. एज यू से कि मतलब अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं तो काफी बड़े एक्टर्स होंगे, एंड किस तरीके से आपने उनको रेडी करा कि काम करने के लिए? वेल मैंने आपने बताया था पहले उनके सामने जो ऑफर रखा था कि आप आईफोन 6 पे मतलब शूट करने वाले हैं सारा का सारा. हाँ, मैं बहुत पहले ही बताया था कि आईफोन 6 पे ये होने वाला है, लेकिन स्टोरी मेन बात उनको लगी कि स्टोरी में उनको दम लगा, उनको पावर लगा. एंड फिर बाद में उनको आईफोन पे यकीन जब हुआ जब वो टीजर दिखाया जो मैंने रिकॉर्ड किया था, जो बनाया था हम लोगों ने शूट करने के पहले, तो दैट्स द मेन थिंग. डायरेक्ट करने के अलावा आपको फीचर करते, म्यूजिक तो आप दे ही रहे हो फिल्म का, लेकिन फीचर करते हुए देखेंगे हम फिल्म में? मैंने एक्टिंग की थी खेले हम जान से मैं आशुतोष गोवारिकर जी की, बट उसके बाद आई डोंट थिंक मैं एक्टिंग में जाना नहीं चाहता. एंड अभी म्यूजिक में बहुत मजा आ रहा है और इसके बाद बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है डायरेक्शन में, तो आई एम लविंग दिस जॉब. इन फ्यूचर एनी प्लान्स टू एक्टिंग और समथिंग? नहीं, मैंने ये फिल्म के बाद ऑलरेडी एक फिल्म लिखी है जो रोमांटिक है, तो वो आई थिंक आई विल स्टार्ट फ्रॉम फेब और मार्च. तो वो भी आईफोन पर ही शूट की जाएगी? या वो जब तक आईफोन नया आ जाएगा तो हो सकता है उसके ज्यादा अच्छे फीचर्स ऑफ कोर्स.